हाय फ्रेंड्स, वेबकॉर्ड स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों एक ऐसे पर्सन के बारे में जिन्होंने 3 रुपए के प्रोडक्ट से 12,000 करोड़ की कंपनी को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे निर्मा कंपनी के संस्थापक करसन भाई पटेल की, जिन्होंने निर्मा के ब्रांड को इतना बड़ा बना दिया जो कि आज घर घर में पहुँच चुका है। करसन भाई पटेल का जन्म 13 अप्रैल 1944 को हुआ था, गुजरात में मेहसाणा जिले में। करसन भाई को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। उनका जन्म एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिताजी किसानी करते थे, किसान थे। जब करसन भाई 21 साल के हुए तो उन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी बीएससी इन केमिस्ट्री, और करसन भाई न्यू कॉटन मिल में जॉब करने लग गए। उन्होंने इस जॉब को छोड़ने के बाद गुजरात सरकार के भू विज्ञान विभाग में नौकरी करी। कुछ लोगों में कुछ कर गुजरने की आग होती है। उनका जन्म चाहे किसी गरीब परिवार में ही क्यों ना हुआ हो, फिर भी वह जिंदगी में बहुत कामयाब बनने की इच्छा रखते हैं। ऐसे ही थे करसन भाई पटेल। उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वॉशिंग पाउडर बनाया जाए जिसकी क्वालिटी मार्केट में मिलने वाले पाउडर से ज़्यादा हो और कीमत कम हो। उन्होंने अपने घर के पीछे ही बैकयार्ड में वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू कर दिया। बहुत कम लोग जानते हैं उनकी एक बेटी थी निरुपमा, जिसकी डेथ हो चुकी है। उसको घर में सभी निर्मा निर्मा कह के पुकारते थे, और उसके नाम पर ही उन्होंने वॉशिंग पाउडर को जन्म दिया, निर्मा वॉशिंग पाउडर। शुरू शुरू में करसन भाई पटेल जब सुबह नौकरी पे जाया करते तो वो साइकिल पे घर घर जाकर नौकरी में जाने से पहले वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे, और शाम को घर वापस आते वक्त घर घर जाकर वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। यहाँ से उन्होंने अपने मेहनत की शुरुआत करी। जब वो शुरू में साइकिल पे घर घर जाके निर्मा वॉशिंग पाउडर बेचते थे, उस समय मार्केट में मिलने वाले अदर डिटर्जेंट की कीमत 13 से 15 रुपए थी, पर उन्होंने अपने निर्मा वॉशिंग पाउडर को सिर्फ और सिर्फ 3 रुपए में बेचना शुरू किया। 3 साल लग गए दोस्तों उनको अपना एक कस्टमर बेस बनाने में। 3 साल उन्होंने अपना कस्टमर बेस बनाया। 1969 तक पाउडर बनाने का काम और उसको सेल करने का काम करसन भाई खुद ही करते थे। फिर उनका काम जैसे जैसे बढ़ता गया, उन्होंने एम्प्लॉयज रखने शुरू कर दिए। कुछ ही सालों में गुजरात में निर्मा ने पकड़ बना ली थी। लेकिन जैसे ही निर्मा को गुजरात से बाहर बेचने की कोशिश की गई तो बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। क्या थी ये मुश्किलें? उस समय रिटेलर उनसे क्रेडिट पे माल ले लेते थे, और जब कई महीनों के बाद सेल्समैन पेमेंट कलेक्ट करने जाता तो दुकानदार या तो उसको भगा देता था या अगले महीने पे टाल देता था। उस समय निर्मा मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स के सामने सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा था, और निर्मा का सेल्स ग्राफ भी नीचे गिरता जा रहा था। ये टाइम निर्मा के लिए बहुत बुरा टाइम था, पर करसन भाई ने ऐसे वक्त में भी हार नहीं मानी। उन्होंने एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई। उन्होंने इमीडिएटली अपने सारे एम्प्लॉयज की एक मीटिंग बुलाई और सभी को बोला कि जो पेमेंट करता है करे, और जो नहीं करता उनसे अपना माल वापस उठवा लो। रातों रात निर्मा के मार्केट में गायब होने से सभी रिटेलर्स और कॉम्पिटिटर्स को झटका लगा, पर करसन भाई पटेल के दिमाग में एक अलग ही गेम चल रही थी, एक अलग ही बिजनेस प्लानिंग चल रही थी। क्या थी ये बिजनेस प्लानिंग? उस समय हर घर में टीवी बहुत तेजी से पहुंच रहा था। जैसे ही उनका माल वापस आया, उन्होंने टीवी पे, दूरदर्शन पे एड चलाने में बहुत ज्यादा पैसा लगाया। टीवी पे निर्मा की इतनी एड करी और निर्मा को लोगों के मन में बिठा दिया। निर्मा थोड़ा सा पाउडर।
देखा दोस्तों, इस एड ने लोगों के घर घर में जाके निर्मा को लोगों के दिलों में बिठा दिया। एड देखकर लोग निर्मा खरीदने जाया करते और निर्मा मार्केट से कहीं नहीं मिलता। दुकानदार भी परेशान हो गए कि निर्मा वाले सप्लाई नहीं कर रहे और कस्टमर की डिमांड पे डिमांड आ रही है। इस बार फिर से करसन भाई पटेल ने एम्प्लॉयज की एक मीटिंग बुलाई और सबके हाथ में एक टर्म एंड कंडीशन का पेज पकड़ा दिया और कहा कि अब से निर्मा कोई भी माल क्रेडिट पे नहीं बेचेगी, कैश ऑन डिलीवरी करो। उनके एक डिसीजन ने रातों रात उनके ब्रांड की इमेज ही बदल दी और आज निर्मा 15,000 से भी ज्यादा इंप्लॉयज को जॉब देती है। अब निर्मा पूरे इंडिया में बिकना शुरू हो गया। निर्मा पाउडर की देश भर में बहुत बड़ी सफलता के बाद करसन भाई ने निर्मा सोप, निर्मा बाथ और निर्मा डिटर्जेंट बनाना शुरू किया। आज निर्मा वॉशिंग पाउडर 12,000 करोड़ का कारोबार बन चुका था। उसके बाद निर्मा ने टूथपेस्ट और शैम्पू बनाने भी शुरू किए, लेकिन ये प्रोडक्ट लोगों को कुछ पसंद नहीं आए और उनको ये प्रोडक्ट बंद करने पड़े। निर्मा ने शुद्ध नाम से एक नमक भी बनाना शुरू किया जो कि मार्केट में काफी सफल रहा। करसन भाई ने खुद की मेहनत से निर्मा को एक ब्रांड बनाया। अपनी बेटी के नाम से उन्होंने एक बहुत बड़ा ब्रांड जन्म दिया, नाम से भी बड़ा ब्रांड। अब उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट की तरफ रुख करना शुरू किया। उन्होंने निर्मा को बांग्लादेश में, अफ्रीका में और चाइना में भी बेचना शुरू किया, वहां पे भी फैलाया। 2007 में अमेरिकन कच्चे माल की कंपनी सीलन वैली मिनरल इंक को उन्होंने खरीदा। करसन भाई ने एजुकेशन में भी अपना काफी योगदान दिया, शिक्षा में भी अपना काफी योगदान दिया। उन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी बनाई। उन्होंने गुजरात में, अहमदाबाद में कुछ कॉलेजेस भी खोले जो निर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं और निर्मा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन द्वारा चलाए जाते हैं। करसन भाई द्वारा बनाए गए कॉलेजेस निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ डिप्लोमा, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आपने इस वीडियो में देखा कि कैसे करसन भाई पटेल साइकिल पे अपना प्रोडक्ट बेचते थे और अपनी लगन और मेहनत से इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में शामिल हो गए। दोस्तों, अगर एक इंसान के अंदर कुछ कर गुजरने की सोच हो तो इंसान 3 रुपए के प्रोडक्ट से भी 12,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर सकता है। दुनिया की चकाचौंध में हमें एक कामयाब इंसान का संघर्ष नहीं दिखता, उसके महंगे कपड़ों के नीचे धूप में तपा हुआ शरीर नहीं दिखता। जिस मुकाम पर वो आज पहुंचे हैं, उस मुकाम पर पहुंचने के लिए चुकाया हुआ मुआवजा नहीं दिखता। करसन भाई पटेल आज 15,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज को नौकरी दे रहे हैं, उनकी 400 से भी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर हैं और 2 मिलियन रिटेल आउटलेट्स हैं। इंडियन ब्रांड सक्सेस, एक इंसान की सोच ने उन्होंने अपनी बेटी के नाम से एक वॉशिंग पाउडर बनाना शुरू किया और आज निर्मा को बच्चा बच्चा जानता है। पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में निर्मा का एक अलग ही ब्रांड है, निर्मा का एक अलग ही नाम है। तो आई थिंक इस वीडियो में मैं आपको समझा पाया हूँगा दोस्त, एक ऐसी बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई जिस बिजनेस स्ट्रेटजी की वजह से निर्मा एक ब्रांड बन गया। वेबकॉर्ड स्टडी में आज इतना ही। आई थिंक इस वीडियो में मैं निर्मा की स्टोरी को अच्छे से समझा पाया हूँगा। थैंक यू।